नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में बहुत अच्छे से हों। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आप किस ग्रह पर रहते हैं? जी हाँ, हम पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं और सौर मंडल का यह ग्रह रहने लायक है क्योंकि इस पर पानी और ऑक्सीजन मिलता है। प्रिय बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं उसमें लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक परिवर्तन होते आ रहे हैं और ये परिवर्तन पृथ्वी की भीतरी सतह में होते हैं और आगे भी ये परिवर्तन होते रहेंगे। आखिर कैसे हैं ये परिवर्तन और किस तरह से होते हैं, आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। आज कक्षा 7 के भूगोल का हमारी बदलती पृथ्वी, इस विषय को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से हमारी पृथ्वी में बदलाव हो रहे हैं, कौन कौन से परिवर्तन हमारी पृथ्वी पर हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय। प्रिय बच्चों, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। इसे आप अपने घर में भी एक प्रयोग के माध्यम से समझ सकते हैं। एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। प्लेट के इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल केवल आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं, तो कभी धीमी गति। भूकंप और ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। प्रिय बच्चों, सामने दिए गए चार्ट के माध्यम से पृथ्वी की गतियों को समझते हैं। पृथ्वी की गतियां, दो बल दिखाए गए हैं, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल की अगर हम बात करते हैं तो आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल दो भागों में इसे बांटा गया है। आकस्मिक बल की स्थिति में भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं और पटल विरूपण बल की वजह से पर्वत निर्माणकारी बल जो है उत्पन्न होता है। बहिर्जनित बल अपरदन और निक्षेपण होता है, जैसे नदी का बहता हुआ जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद। प्रिय बच्चों, आइए अब ज्वालामुखी को समझते हैं। ज्वालामुखी क्या होता है? भूपरपटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है
जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक बाहर निकलते। सामने जो आपको चित्र दिखाया गया है वह एक ज्वालामुखी का चित्र है। इसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पृथ्वी पर मौजूद एक छिद्र में से जो पिघला हुआ मैग्मा है वो बाहर आता है। प्रिय बच्चों, अब हम भूकंप की स्थिति को समझेंगे कि भूकंप कैसे आता है। स्थल मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होती है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूस्तह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती चली जाती है। प्रिय बच्चों, सामने जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है, इस चित्र में जो नीचे बिंदु बना हुआ है वह भूकंप का उद्गम केंद्र है। मैंने पहले भी बताया कि वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। प्रिय बच्चों, हालांकि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन अगर हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। हालांकि कुछ स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की परिस्थितियों का अनुमान लगा लेते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन करके, तालाब में मछलियों की उत्तेजना देखकर या सांपों का धरातल पर बाहर आना देखकर। ये कुछ सामान्य तरीके हैं जिनसे स्थानीय लोग पहचान जाते हैं कि भूकंप आने वाला है। प्रिय बच्चों, एक ऐसा ही भूकंप 26 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में आया। 26 जनवरी जानते हैं आप, उस दिन पूरा भारत वर्ष जो है वो गणतंत्र दिवस मना रहा होता है। प्रिय बच्चों, उस दिन भी स्कूल लगे हुए थे और स्कूलों में 26 जनवरी के कार्यक्रम चल रहे थे, और चूंकि यह जो भूकंप था वह सुबह के समय आया तो इससे जान माल की अधिकतम हानि हुई। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में जो भूकंप आया, रिक्टर स्केल पर उसकी तीव्रता 6.9 आंकी गई। प्रिय बच्चों, 6.9 की तीव्रता वाला भूकंप बहुत भीषण भूकंप माना जाता है। प्रिय बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भूकंप का मापन कैसे किया जाता है? भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है और इसमें हम यह देखते हैं कि जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 तक होती है या उससे कम होती है वह बहुत अधिक प्रभावकारी भूकंप की स्थिति नहीं होती। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 या उससे अधिक होती है वह बहुत ही शक्तिशाली और हानिकारक भूकंप की स्थिति होती है। 7.0 से अगर भूकंप अधिक है तो वह सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। प्रिय बच्चों, अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भुज में जो भूकंप आया जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.9 आकी गई वह कितना भीषण होगा। प्यारे बच्चों, आप जब स्कूल में होते हैं या अपने घर में होते हैं और अचानक से भूकंप आ जाए तो ऐसी कौन कौन सी तैयारी है जो आप कर सकते हैं? प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति में जो सबसे सुरक्षित स्थान होते हैं वह होते हैं रसोई के काउंटर,
सख्त मेज के नीचे का भाग, दीवार के अंदरूनी कोने। और जिन चीजों से हमें दूर रहना चाहिए वह हैं आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास की जगह और कोई ऐसी जगह जहां पर दर्पण या कोई बड़ी तस्वीर लगी हुई है। प्यारे बच्चों, अगर ऐसी स्थिति में आपको सीढ़ियां उतरनी हो, यानी एक मंजिल से नीचे की तरफ जाना हो, तो उस स्थिति में लिफ्ट का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों और पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलानी चाहिए कि इस तरह की आपदा का सामना विश्वास से किया जाना चाहिए। प्यारे बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं कुछ मुख्य स्थलाकृतियों के बारे में। अक्षय और अपर्दन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन और हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान से निक्षेपित करते हैं। अपर्दन और निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। आइए अब पढ़ते हैं नदी के कार्यों के बारे में। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। सामने जो आपको चित्र दिखाया गया है वह एक जलप्रपात का चित्र है। विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात है और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात भी बहुत प्रमुख है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे के निकट आते जाते हैं। समय के साथ साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। प्रिय बच्चों, ये जो सामने आपको चित्र दिखाया गया है वह दिखा रहा है कि विसर्प किसे कहते हैं। देखिए, सामान्यतः भी विसर्प अर्थात एक सर्पिलाकार आकृति। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी और अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी और पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इसे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदानों का निर्माण होता है। नदी के उथित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है, अर्थात नदी की गति बहुत धीमे हो जाती है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए गए मलबे का निक्षेपण करती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। प्रिय बच्चों, आपको सामने जो चित्र दिखाई दे रहा है
वह एक डेल्टा का है। आइए अब पढ़ते हैं समुद्री तरंग के कार्यों के बारे में। समुद्री तरंग के अपवर्धन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती हैं। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। चित्र में आपको दिखाया गया है समुद्री गुफा की स्थिति, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीतर को घुसी हुई ये स्थिति दिखाई गई है। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिसे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहती हैं। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलीन का निर्माण करती हैं। प्रिय बच्चों, आइए अब पढ़ते हैं हिमनद के कार्यों के बारे में। हिमनद दो शब्दों के मेल से बना है, हिम अर्थात बर्फ और नद अर्थात नदी, यानी ऐसी नदियां जो बर्फीली हैं। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गुलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाती हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमौड़ का निर्माण करते हैं। तो आपने देखा कि हिमनद के क्या क्या कार्य हैं। अब हम पढ़ेंगे पवन के कार्य, कि पवन क्या कार्य करती है। सभी जानते हैं हवा को हम पवन कहते हैं, और अक्सर जब तेज हवा चलती है तो आपने देखा होगा कि जो हल्का सामान है वो उड़ जाता है। प्रिय बच्चों, क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? जरूर देखा होगा। अगर आपने इसको कभी यात्रा करके नहीं देखा तो टेलीविजन में किसी फिल्म या नाटक के माध्यम से जरूर देखा होगा। सामने आपको एक चित्र दिखाया गया है। यह एक बालू टिब्बे का चित्र है, जो कि पवन का एक प्रमुख कार्य है। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण के प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार पर संकीर्ण और शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है, यानी जब हवा की गति रुक जाती है, तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनता है। इसको बालू टिब्बा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु इनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लॉइस कहते हैं। चीन में विशाल लॉइस निक्षेप पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि पृथ्वी पर किस तरह की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, और नदी, पवन और हिम नदियां क्या क्या कार्य करती हैं। तो आइए इसी पाठ के अध्ययन पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं।
तो प्रिय बच्चों, पहला प्रश्न है क, इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं? आपके विकल्प हैं ए शैल, दो किनारा, तीन समुद्री गुफा, चार ये सभी। प्रिय बच्चों, इसका सही उत्तर होगा शैल। अगला प्रश्न, हिमनद की निक्षेपण की विशेषता है। आपके विकल्प हैं बाढ़कृत मैदान, पुलिंग, हिमौड़ और हिमनदी। प्रिय बच्चों, इसका सही उत्तर होगा हिमौड़। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? पहला विकल्प है ज्वालामुखी, दूसरा वलन, तीसरा बाढ़कृत मैदान और चौथा विसर्ग। प्रिय बच्चों, इसका सही उत्तर होगा ज्वालामुखी। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण ज्वालामुखी उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न देखिए, छत्रक शैलें पाई जाती हैं रेगिस्तान में, नदी घाटी में, हिमनद में या पर्वतों पर? प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर होगा रेगिस्तान में। चाप झील कहाँ पाई जाती है? हिमनद, नदी घाटी, रेगिस्तान या पहाड़? प्रिय बच्चों, इसका सही उत्तर होगा नदी घाटी। आइए अब एक प्रश्न करते हैं, स्तंभों का मिलान करें। आपको भाग एक में कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको उनका सही मिलान भाग दो के शब्दों से करना है। पहला शब्द है हिमनद। अब देखिए भाग दो में दिए गए कौन से शब्द से ये मेल खाता है? हिमनद का जो सही मिलान होगा, जो सही जोड़ा होगा, वो होगा बर्फ की नदी। आगे है विसर्ग। विसर्ग किससे संबंधित है? नदियों से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नदियां। अगला है पुलिंग। पुलिंग किससे संबंधित है? समुद्री तट से। अगला है बालू टिब्बा। बालू टिब्बा का सही मिलान होगा रेगिस्तान, क्योंकि पवन चलने से बालू टिब्बों का निर्माण होता है और कहाँ होता है? रेगिस्तान। अगला है जलप्रपात, कठोर संस्तर शैल। अगला भूकंप क्यों आता है? आप सभी जानते हैं पृथ्वी की कंपन के कारण। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको इन प्रश्नों के माध्यम से और अधिक समझ आया होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमारी पृथ्वी पर कितनी तरह की स्थलाकृतियाँ हैं और किस तरीके से हमारी पृथ्वी के भीतरी भाग में परिवर्तन होते हैं, कैसे भूकंप आता है ये भी आपने जाना, और विभिन्न प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं वो किन वजहों से आती हैं ये भी आपने अच्छे से जाना। उम्मीद करती हूँ कि अध्याय आपको समझ में आ गया। धन्यवाद।